हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत से इन्फॉर्मेशन की चीज़ें बताने वाले हैं। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट यहां पे लगातार हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम की डेट क्या है, तो आज हम डायरेक्ट एग्ज़ाम की डेट पे आते हैं और बहुत से स्टूडेंट का ढेर सारी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे, वो आपके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बहुत से ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि सभी के होगा, जैसे एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, एग्जाम कैसे देना है, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट समझाने वाले हैं। आपके लिए बेहद आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा या हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी जो समस्या है, जो भी आपका मन में क्वेश्चन है, आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा वहां पे। ये हमारा दोस्त एक ऑफिशियल न्यूज के अंतर्गत मैं आपको जो शेड्यूल है वो मैं आपको बताऊंगा। कार्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, लगातार स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि जो हमारे एग्जाम है, सबसे पहली बात पे आते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो कैसा होगा। वो हमारा ऑनलाइन होगा। कैसा होगा दोस्त? वो हमारा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे, कंप्यूटराइज सिस्टम से आपका ऑनलाइन होगा। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु प्रवेश वर्ष 2021 की ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाएं। पूर्व में पहले आपका जो था शेड्यूल वो कैसा था, 9 सितंबर से 14 सितंबर तक था, लेकिन इसमें क्या हुआ, दो वर्ष से अभी कोविड के चलते बहुत ही हमारा शैक्षणिक सत्र पीछे हो गया है, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि जो इन्होंने पूर्व में तिथि घोषित की थी उसका परिवर्तन किया और जो हमारी परीक्षाएँ हैं वो हमारा 31 अगस्त 2021 से प्रारंभ की जा रही है। ऐसे में सभी स्टूडेंट अपना यहाँ पे शेड्यूल देख लें, वो चाहे ग्रुप ए के स्टूडेंट हो, ग्रुप E1 के स्टूडेंट हो, E2 के स्टूडेंट हो, या आप लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सबके लिए है। अगर आपका जो भी निगेटिव मार्क होगी वो आप सबके लिए होगी, वो चाहे दोस्त आप ए ग्रुप के हो या आप बी ग्रुप या के ग्रुप, कोई भी ग्रुप के हो, निगेटिव मार्क यहाँ पे सेम होती है। ठीक है, एक बात ये जान लीजिए। दूसरी बात, ऑनलाइन ही आपका सबका होगा, वो चाहे आप दोस्त फार्मेसी के स्टूडेंट हो या ग्रुप ए के स्टूडेंट हो या लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हो। पिछली बार हुआ क्या था, पिछली बार ओनली ग्रुप E1 यानी कि ग्रुप ए को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप हैं सभी का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन ही हुआ था। केवल और केवल ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे फॉर्म की संख्या ज्यादा हो गया था और इसलिए उसी बार तत्काल लागू करना वो कंफर्म वहां पे हो नहीं पा रहा था उनका, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि ग्रुप ए के छोड़कर जितने भी ग्रुप हैं उनका सभी ऑनलाइन करा दिया था पिछली बार ही, और इस बार से बोला था कि जो आपका ग्रुप ए का भी है उसे भी हम यहाँ पे ऑनलाइन ही कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और इस बार इन्होंने ऑनलाइन ही एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं। तो टोटल हमारा जितना पॉलिटेक्निक का ग्रुप है सभी में आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम की जो तिथि होगी हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 31 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा ग्रुप ए का। ठीक है, ऐसा तो संभव नहीं है दोस्त, पहले क्या होता था, पहले आपका ऑफलाइन होता था तो एक ही दिन में आपका सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता था, लेकिन जब आपका ऑनलाइन हो रहा है तो इसमें आपका समय लगता है, 31 तारीख से आपका स्टार्ट है, 31 अगस्त से ग्रुप ए का एग्जाम स्टार्ट है। 31 को है, 1 को है, 2 को है और 3 को है। ठीक है, 1 को और 2 को यहाँ पे खत्म हो रहा है। कब? 2 को आपको शाम को 4 से 6:30 इनका लास्ट बैच है ग्रुप ए के लिए। फिर उसके बाद दोस्त आते हैं यहाँ पे 3 सितंबर, जो कि आप लोग का एग्जाम है फार्मेसी का ग्रुप E1 के लिए। ठीक है, 3 सितंबर को आपको समय दिया गया है, 3 सितंबर मात्र एक दिन का आपके पास समय है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं इन्हीं 3 तारीख में ही आपका एग्जाम होगा। बैच आपका अलग हो सकता है, जैसे कि
एक बैच है आपका 8 से 10:30 यानी कि 2.5 घंटे का जो आपका पेपर है, सभी को उतना ही समय मिलेगा, पहले भी इतना ही मिलता था जब आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था। ऑनलाइन एग्जाम में भी आपका वही समय मिलता है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत ही बरतनी होती है। क्यों? क्योंकि आपने ऑफलाइन एग्जाम दिया है तो ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए दोस्त आप मॉक टेस्ट का उपयोग करिए, मॉक टेस्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आप एग्जाम दीजिए, कैसे एग्जाम दिया जाता है इस पैटर्न को आप सीखिए, ताकि वहां पे टाइम कम लगे और डाटा फिल करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि वहां भी जैसे ही आप अपडेट करते हैं ना, जैसे आप खोलेंगे एग्जाम, तो वहां पे क्या होता है, आपको रोल नंबर और बाकी सारी डाटे आपको फिल करने होते हैं। तो ऐसे समय में आप लोग जितना जल्दी करेंगे वो आपके लिए वहां पे बेस्ट होगा। हालांकि आपको जो 15 मिनट है वो वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, पहले भी मिलता था जब आपका ऑफलाइन होता था, और ऑनलाइन है तो वहां पे भी आपको 15 मिनट मिलता है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसी समय में आपको सारा चीजें फिल करना है और बिल्कुल ही सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को स्क्रॉल भी उसमें करने का ऑप्शन होगा, जिस नंबर पर क्लिक करेंगे उस नंबर का क्वेश्चन आपको साथ खुल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। टाइम मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए जो आपने छोड़ा है। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में लगे रहते हैं, लेकिन क्या होता है, लास्ट तक सॉल्व नहीं हो पाता और उनका टाइम भी वहां पे लेस हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में दोस्त आपका देखते ही देखते समय वहां पे चला जाएगा, आप कुछ भी वहां पे नहीं कर पाएंगे ऐसे में। और एक बात और दोस्त, जो आपको स्टडी करना है वो कहाँ से करें। बहुत से स्टूडेंट का लगातार कमेंट आया था कि सर जो आप बता रहे हैं ये चीजें एंट्रेंस एग्जाम में आती है या नहीं, तो उनको बताना चाहेंगे दोस्त अगर आप वहां पे देखेंगे ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन वहां भी रहेंगे, लेकिन अफसोस करेंगे कि काश वो चीजें मैंने पढ़ ली होती। तो ऐसे में दोस्त आपके पास समय है, उस समय का उपयोग करिए। जो चीजें मैं आपको बताया हूं उसे बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। चैप्टर वाइज जो मैंने बताया है सभी आप लोग रिवाइज करिए। आप लोग इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंटर की जो बुक है उससे आप लोग रिवाइज करिए। साथ ही जितना वीडियो मैंने बताया है उस वीडियो को डेली रेगुलर आप देखिए, ठीक है। जो आपका बायोलॉजी का मेन है उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें से टोटल आपका 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी आपके लिए बेस्ट है, मैं आपको टोटल इसी मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बायोलॉजी आपका सारा इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में अगर इसमें से आता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे उसे, इतना तो जरूर बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं बहुत ही कम है। ऐसे में आपका जो रैंक हो वो बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए। रैंक कम होने के लिए क्या करेंगे, नंबर आपका अधिक होगा, जितना अधिक नंबर होगा उतना ही रैंक कम होगा, उतनी ही जल्दी कॉलेज मिलेगी। कॉलेज की डिटेल मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा कि कितने हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने हमारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो चीज़ें आपको अलग बता दूंगा। और फीस के लिए इसका एक वीडियो डिटेल से मैं आपको बता दूंगा कि फीस कितनी होती है गवर्नमेंट की, एडेड की और प्राइवेट की, ठीक है। तीनों की फीस भी बता दूंगा, कॉलेज कितने हैं ये भी आपको बता दूंगा। एक एक चीजें आपको यही डेली आपको क्लियरिफाई करते हुए चलूंगा, ताकि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उसके रिलेटेड आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगले हम बात करते हैं, ये तो रहा दोस्त आपका 3 सितंबर को ग्रुप E1 का एंट्रेंस एग्जाम है फार्मेसी का, ये आपका 4 सितंबर को है। ग्रुप E2 का जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं वो सब भी यहाँ पे ध्यान देंगे, मैथ के स्टूडेंट यार लगातार कमेंट कर रहे थे हमारे पे। तो दोस्त ग्रुप E2 यानी कि मैथ का आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है अभी, तो मैथ का हमने पहले से भी क्रैश कोर्स में बताया हुआ है, तो आप उस क्रैश कोर्स को देखिए और आप अपने से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, उससे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जो आपका फार्मेसी ग्रुप E1 का है वही आपको ग्रुप E2 में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाएगा। लेकिन
क्वेश्चन सेम नहीं रहता है, इस बात का आप वहां पे वो न करिएगा कि क्वेश्चन सर सेम नहीं है। ग्रुप E1 और A2 का क्वेश्चन अलग अलग होगा, पैटर्न आपका सेम होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपका सेम होगा। जबकि जो ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए का लेवल जो है वो थोड़ा नीचे होता है। क्यों दोस्त? क्योंकि वो आपके 10th के बेस पे होता है, ठीक है, उसमें वहां पे 10th के स्टूडेंट भी फॉर्म को फिल करते हैं, वो 10th के बेस पे होता है, इसलिए क्या होता है वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल होता है। लेकिन आप लोग क्या है 12th के बेस पे यहाँ पे एग्जाम को दे रहे हैं, तो इसलिए आपको 12th बेस पे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें, अच्छी चीजें वहां पे पूछने की वो कोशिश करेगा। तो ऐसे में जो चीजें मैं आपको बताया हूं या इंटर कॉलेज में जो आप पढ़े हैं उसे आप लगातार रिवाइज करते रहें, ठीक है। 4 सितंबर को आपका ग्रुप E2 का एग्जाम होगा मैथ के स्टूडेंट, उसके बाद आपका दोपहर 12 से 2:30 बजे BCD FGHI ये सभी ग्रुप का एग्जाम होगा, और 4 से 6:30 ये आपका लेटरल एंट्री के एग्जाम होगा, यानी कि लेटरल एंट्री का जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का एग्जाम 4 से 6:30 के बीच में ही होगा 4 सितंबर को, ठीक है, एक ही दिन यहाँ पे रखा गया है। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं, निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, वो चाहे ग्रुप ए के स्टूडेंट हो, लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हो या फार्मेसी के स्टूडेंट हो, आपके लिए निगेटिव मार्किंग समान होती है, 1:4 का आपका निगेटिव मार्क होता है। यानी कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कैसे होता है। जैसे मान लिया दोस्त आपने कोई भी क्वेश्चन, आपका सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, वो आपके 4 मार्क्स के होते हैं, 4 नंबर के एक क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। और इसमें 1:4 का आपका माइनस मार्किंग होता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं अभी। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो कितने नंबर मिले आपको, 4, क्यों, वो क्वेश्चन आपका सही हुआ, 4 नंबर मिले। सेकेंड क्वेश्चन किया आपने, वो भी क्वेश्चन सही हो गया, तो वहां पे कितने नंबर मिले, 4, दोनों क्वेश्चन को मिला के कितने नंबर मिले, 8 मिले। लेकिन तीसरा क्वेश्चन किया तो आपने कितना हो गया यहाँ पे, 12, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन किया ये भी आपने सही कर दिया, तो कितने हो गए, 12 हो गए। चौथा क्वेश्चन किया लेकिन आपने क्या कर दिया यहाँ पे, गलत कर दिया, क्या कर दिया दोस्त, गलत कर दिया टोटल। तो 3 क्वेश्चन आपने किया था, तीनों पे आपके 4-4 मिले, लेकिन चौथे पे जब किया तो ये आपका गलत हो गया। तो ऐसे में जो आपने 4 क्वेश्चन होना, जैसे आपने टोटल कितना किया यहाँ पे, 4, 4 में से 1 गलत किया, तो 4 का हमारा जो हो जाएगा वो हमारा 16 हो जाएगा, लेकिन 1 गलत कर दिया था, 1 गलत करने का मतलब यहाँ पे 5 माइनस हो जाएगा, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 11। मतलब ये है कि जो आपने 3 सही किया है उसमें से आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, सीधा सीधा ऐसे मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है। 1 आपने गलत किया तो 1 आपका कट जाएगा। जैसे कि हम एक ही क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 क्वेश्चन आपने किया 4 नंबर मिला, दूसरा क्वेश्चन किया माइनस का 1 हो गया, तो जो आपका 4 था यहाँ पे, क्योंकि आप ये आपने गलत किया तो माइनस का 1 हो गया, और माइनस का 1 इससे कट गया, तो ये आपका 3 नंबर आ गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन किया 1 सही किया 1 गलत, तो 1 नंबर आपका कट जाएगा जो आपने गलत किया है। 1 नंबर का माइनस मार्किंग होता है, यानी 1:4 का रेशियो, ठीक है। तो आशा करते हैं माइनस मार्किंग आपको समझ में आ गई है, निगेटिव मार्क कैसे होगी है। सभी स्टूडेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए निगेटिव मार्क पे, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है तो इसमें आपको जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां भी हो सकती हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट सावधान हैं, बिल्कुल सटीक आंसर पे ही टिक लगाएं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम की पैटर्न की, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होगा, जो हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा वो कैसा होता है। पिछले दोस्त पिछले प्रीवियस ईयर में अगर आपने हम बात करें ग्रुप ए की, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए की, तो ग्रुप ए का तो दोस्त नॉर्मल होता है, वो आपका 10th और 11th के बेस पे टोटल पूछे जाते हैं, ठीक है, 10th और 11th के बेस में टोटल पूछे जाते हैं ग्रुप ए के स्टूडेंट के लिए। लेकिन फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए जितने भी हैं आपका 12th का जितना बुक है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड आपका 11th और 12th से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट 11th और 12th पे ज़्यादा फोकस करिएगा, जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसे रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सारी चीज़ देखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में वेरी इजी रहेगा दोस्त, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जितना ज़्यादा अधिक आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। आशा करते हैं आज के इस वीडियो में
मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, एडमिट कार्ड के लिए नहीं बताया। एडमिट कार्ड जो दोस्त आएगा वो आपका कब आएगा, तो एडमिट कार्ड इसी मंथ सेकेंड वीक में आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा ना, इसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा लगभग आपका 22 से 25, ठीक है। इसी के बीच में आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड देखिएगा और अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा। अभी मैं आपके लिए फीस डिटेल्स और कॉलेज की डिटेल्स की लिस्ट बता दूंगा कि कितने कॉलेज हैं और कैसे आपको एडमिशन लेना है, कौन सी कॉलेज में कितनी फीस है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन फुल वीडियो मिली है। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि इसका इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंचे और उन्हें भी पता चल सके इसके बारे में। थैंक यू।